डाउनलोड करें ट्रैवल इंडिया टीवी ऐप। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद झारखंड में सरकार का चेहरा साफ हो चुका है। भाजपा को सत्ता से हटाकर झामुमो कांग्रेस और राजद के महागठबंधन की पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर चुकी है। जीत को लेकर महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। बुधवार 25 दिसंबर को हेमंत सोरेन दिल्ली रवाना होंगे, जहां पे कांग्रेस के सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, क्रिसमस की बधाई देंगे, साथ ही झारखंड आने का न्योता भी देंगे और कई मुद्दों पर बातचीत भी होगी। वहीं 29 दिसंबर को 1 बजे मोरहाबादी मैदान में हेमंत सोरेन लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। और इसी तरह झारखंड की गहमा गहमी तेज हो गई है। दिन भर वो काफी व्यस्त रहे। राज्य के पुलिस महानिदेशक KN चौबे हेमंत सोरेन से मिलकर जीत की बधाई दी, साथ ही क्रिसमस की बधाई देने हेमंत सोरेन आर्च बिशप के पास पहुंचे और क्रिसमस की बधाई दी। आज हमारी ओर से पूरे राज्य में मना रहे क्रिसमस के कार्यक्रम और हमारे सभी राज्य के लोगों से आज के शुभ दिन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले एकला चलो की राह पर चलने वाले झारखंड विकास मोर्चा ने भी महागठबंधन में वापसी का फैसला किया है। बाबूलाल मरांडी से मिलने महागठबंधन के नेता हेमंत सोरेन बाबूलाल मरांडी के आवास पर पहुंचकर भावी मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन ने आशीर्वाद लिया। यहां दोनों के बीच सरकार के गठन को लेकर बातचीत हुई। इस बीच हेमंत सोरेन ने बाबूलाल मरांडी को महागठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया, जिसे स्वीकार करते हुए बाबूलाल मरांडी ने बिना किसी शर्त के महागठबंधन का साथ देने की बात कही। तो हम अपने उसी को बधाई देते हैं और जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि हम सब लोगों का एक कॉमन कॉज था, कभी इस प्रदेश की जो गांव गरीब किसान मजदूर यहाँ के आदिवासी है, दलित है, जो प्रताड़ित है, हर वर्षों से वो सारे लोग विकास की दौड़ में पिछड़े हुए, तो सामान्य उद्देश्य को लेकर के हम सब लोग भले अलग अलग लड़े, जैसे इन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत ही दिल बढ़ा करके यहाँ आए, तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी का पूरा समर्थन श्री हेमंत सोरेन जी को रहेगा। कोई शर्त की नहीं होती है समर्थन की, जब हम समर्थन इनको दे रहे हैं तो फिर शर्त की क्या मतलब होती है। सरकार में होगी कि नहीं शामिल? नहीं, सरकार में शामिल होने का कोई शर्त हमारे पास नहीं है। हम सीधा सीधा, क्योंकि इनको पर्याप्त बहुमत है और जब कोई मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके अधिकार क्षेत्र में होता है वो जिन लोगों को ले। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।